मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में प्रवेश करने वाले प्रवासी मजदूर यात्री जो इस भीषण गर्मी में बिना चरण पादुका के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इस तकलीफ में उनके लिए सभी सीमावर्ती चेक पोस्ट में चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों से होकर जा रहे मजदूरों को भोजन पानी के साथ चरण पादुका भी उपलब्ध कराएं। साथ ही रायपुर और राजनांदगांव जिले में मजदूरों को चरण पादुका वितरण का कार्य प्रारंभ भी हो गया है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले अन्य राज्यों के श्रमिकों की सहूलियत और सहायता में जुटी छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के सभी सीमाओं पर पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उन्हें छत्तीसगढ़ का मेहमान मानकर उनके लिए चाय, नाश्ता, भोजन व परिवहन का निःशुल्क प्रबंध किया जा रहा है। अपने और बेगाने का फर्क नहीं, सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाने में जुटे लोग। मुख्यमंत्री की अपील पर श्रमिकों की सहायता में राज्य की स्वयंसेवी संस्था, उद्योग और व्यापारिक संगठनों के लोग भी बराबर की साझेदारी निभा रहे हैं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के इस दौर में श्रमिकों के दुख दर्द पर छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता मरहम लगाने का काम कर रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 43 विशेष ट्रेनों की सहमति दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विशेष प्रयास से प्रवासी श्रमिकों की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 11 विशेष ट्रेन 16,254 श्रमिकों को छत्तीसगढ़ लेकर आ चुकी है। मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावित सभी ट्रेनों के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। जैसे जैसे अन्य राज्यों से अनुमति मिलती जाएगी, ट्रेनों का संचालन क्रमशः चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन ट्रेनों में आने वाले श्रमिकों के लिए रेलवे मंडलों को अब तक कुल 1,88,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, भाटापारा, चांपा के रेलवे स्टेशनों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 17 मई को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 86 केस पाए गए हैं, जिनमें से 59 ठीक हो चुके हैं और 27 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।